एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में, और 2.5 साल में इतना काम किया है, इतना काम किया है कि जो महाविकास आघाड़ी ने बंद पड़े जो प्रकल्प थे, जो रुकाए, जो बंद किए हुए प्रकल्प, उसको हमने शुरू किया। एक तरफ विकास किया, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहना योजना है, लाडला भाई है, कई योजना है, और ये आम जनता के जीवन में जो बदलाव लाने की कोशिश हमने की, क्योंकि मैं जानता हूँ गरीबी क्या है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से आया हूँ, इसको उसका अनुभव होना चाहिए, उसकी गरीबी क्या होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आते सम पहले ही जब मैंने सोचा कि हमारी सरकार आएगी और आम जनता को उसके जीवन में बदलाव लाएगी, इसलिए हमने लाडली बहन योजना शुरू की। हमारे सभी साथियों, दोनों डीसीएम, सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया, और इतने बड़े पैमाने पे 2.5 करोड़ लाडली बहना योजना पे उनको, जो विपक्ष लोगों ने बहुत विरोध किया, कोर्ट में गए, लेकिन हमने वो शुरू रखी। एक विश्वास पैदा हो गया हमारे सभी किसानों में, लाडली बहनाओं में, लाडले भाइयों में, सभी में, और इसलिए ये बहुत बड़ी जीत मिली है। और ये ऐसी जीत मैं चाहता हूं कि अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कम समय 2.5 साल का है, लेकिन काम हम मेरे ख्याल से 10 साल का काम किया है। इतनी योजना, इतने सब स्कीम्स है, इतने प्रकल्प है, इतने आगे बढ़ाने का काम किया है, दिन रात मेहनत करके हमने किया है, दिन रात, पूरे इलेक्शन में तो छोड़ो, लेकिन जब से हम सरकार में बैठ गए, मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी मुझे मिली, तब से मुझे लगता नहीं कि मैं एक भी दिन छुट्टी ली, यहां भी गया वहां काम किया। और इसलिए ये सारे सभी लोगों ने मेहनत कर इतना बड़ा काम करने के बाद इतनी बड़ी जीत हासिल की है, और इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक कॉमन मैन, हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है, और ये मेरी जो पहचान बन गई है, लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं, उससे ऊपर है, और इसके लिए इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ।